एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज हमारा जो पार्ट होगा वो होगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ राजस्थान के लोक त्योहार। लोक नृत्य हमने पूरे कर लिए हैं, लोक त्योहार हमने भाद्रपद महीने तक के पूरे कर लिए हैं। अभी हमारा होगा आश्विन महीने से स्टार्ट। तो आश्विन महीने के अंदर पूर्णिमा को क्या स्टार्ट हो जाता है, आश्विन महीने से जो पहले भाद्रपद जो महीना था उसकी पूर्णिमा को कनागत स्टार्ट हो जाते हैं, श्राद्ध पक्ष स्टार्ट हो जाता है। तो एक जो श्राद्ध है वो उसी पूर्णिमा को ही निकल जाता है। आश्विन कृष्ण प्रतिपदा को द्वितीय श्राद्ध होता है और आश्विन अमावस्या को सर्वपितृ श्राद्ध हो जाते हैं और श्राद्ध पक्ष समाप्त हो जाता है। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को दुर्गा जो नवरात्रि होती है वो स्टार्ट होती है। अश्विन शुक्ल अष्टमी को दुर्गा अष्टमी, अश्विन शुक्ल नवमी को दुर्गा नवमी एंड अश्विन शुक्ल दशमी को विजय दशमी दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है। अश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है और उस समय कार्तिक स्नान प्रारंभ हो जाते हैं और उस समय विष्णु पूजा की जाती है। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ, कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई अष्टमी, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस और कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को रूप चौदस नरक चतुर्दशी और कानी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। और दिवाली कार्तिक कृष्ण अमावस्या, वो तो अमावस्या हमेशा कृष्ण पक्ष में आती है ये आपको पता है, इसलिए कार्तिक अमावस्या को दिवाली लक्ष्मी पूजन किया जाता है। फिर आता है कार्तिक शुक्ल पक्ष, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा, कार्तिक शुक्ल द्वितीय को भाई दूज मनाया जाता है, कार्तिक शुक्ल को छठ पूजा यानी कि अभी जो समय चल रहा है कार्तिक शुक्ल की जो आज पंचमी है षष्ठी है, तो आज षष्ठी के दिन छठ पूजा मनाई जाती है मनाई गई है। तो आज के दिन यानी कि कार्तिक शुक्ल षष्ठी को छठ पूजा मनाई जाती है। कल सप्तमी के दिन अर्घ दिया जाता है छठी मैया को। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपा अष्टमी मनाया जाता है, कार्तिक शुक्ल नवमी को अक्षय नवमी या आंवला नवमी माना जाता है, कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उठनी एकादशी देवोस्थान प्रबोधनी तुलसी विवाह है जो कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है, कार्तिक पूर्णिमा को कार्तिक स्नान समाप्त हो जाता है और माघ कृष्ण चतुर्थी को तिलकुट्टा चौथ मनाया जाता है। इससे पहले 14 जनवरी आती है जिसको सक्रांत मकर संक्रांति मनाई जाती है और माघ कृष्ण चतुर्थी को तिलकुट्टी चौथ शंकर चतुर्थी माही चौथ ये बाद में आता है, पहले सक्रांत आती है 14 जनवरी को। माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या, माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी, बसंत पंचमी माघ में आती है शुक्ल पक्ष में आती है, माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी मनाई जाती है। माघ शुक्ल दशमी को रामदेव मेला होता है, माघ फाल्गुन में महाशिवरात्रि आती है वापस शिवरात्रि, एक तो श्रावण में मैंने बताई थी श्रावण में आती है कृष्ण पक्ष में आती है और एक आती है फाल्गुन कृष्ण पक्ष में आती है वो शिवरात्रि महाशिवरात्रि मनाई जाती है, वो शिवरात्रि होती है महाशिवरात्रि होती है। फाल्गुन शुक्ल द्वितीय को फुलेरा दूज होती है, फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है और चैत्र कृष्ण प्रतिपदा गेर फाग धुलंडी छारंडी गणगौर पूजा प्रारंभ हो जाता है वापस चैत्र में और चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। तो ये थे चैत्र से लेके फाल्गुन तक और फिर चैत्र के जो प्रतिपदा और अष्टमी तक का जो समय रह गया था वो त्योहार, हमारे सारे त्योहार है। और इन त्योहार में से राजस्थान में रहने वाला ऐसा कोई भी भाई बहन नहीं है जो इन त्योहारों के बारे में नहीं जानते हैं, सब जानते हैं। तो इनके बारे में हमें लॉन्ग डिस्कशन का अभी जरूरत है नहीं और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम लॉन्ग डिस्कशन करना चाहें। तो हमें ये जो डेट है वो ध्यान रखना है, इसमें क्या क्या किया जाता है वो हमें अच्छे से पता है। तो इस जो राजस्थान के जो लोक नृत्य है वो यहीं पे समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ आपके लिए यूजफुल होंगे, समझ आएगा। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियोस एंड इनवाइट टू ऑल योर रिलेटिव्स एंड योर ब्रदर एंड सिस्टर हु इज प्रिपेयरिंग फॉर सेकंड ग्रेड। ओके, थैंक यू वेरी मच।